लंच ब्रेक का हमारे खास एडिशन सीधे कोलकाता से। तो लंच ब्रेक में हम आपको रूबरू कराते हैं कोलकाता की संस्कृति और खास ही रोजमर्रा की जिंदगी के कुछ ऐसे पहलुओं से जो चुनावी शोरगुल के बीच सुकून देते हैं। आज हम आपको लिए चलेंगे कलकत्ता की लाइफलाइन माने जाने वाली ट्रैम और फेरी की सवारी पर। जी हाँ, दशकों से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि हुगली नदी यहाँ की संस्कृति से जुड़ी हुई है। इसी हुगली नदी पर कई सारे लोकप्रिय बांग्ला और हिंदी गीत लिखे गए हैं। इसी हुगली पर हम सवारी करेंगे फेरी की और इन सवालों के साथ आपके बीच आएंगे कि इस बार चुनावी मझधार में किसकी नैया होगी पार। मेरे साजन है उस पार, ले चल पार, अब की बार। फिल्म बदनरी का ये गाना पश्चिम बंगाल की चुनावी लड़ाई का मर्म है। राजनीतिक दलों के लिए वोटर मांझी बने हुए हैं और सत्ता किसी साजन की तरह है। नेता वोटर रूपी मांझी से गुहार कर रहे हैं, बस अब की बार किसी तरह। लंच ब्रेक का हमारा सफर पहुंच चुका है कोलकाता की पहचान और यहाँ की सांस्कृतिक प्रतीक हुगली नदी पर, जहाँ एक पूरी जिंदगी बसती है। हम आपको ले चलेंगे यहाँ की फेरी के सफर पर। ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वालों में से एक है फेरी, जहाँ पर उसके पोर्ट पे हम इस वक्त खड़े हैं। कोलकाता हेरिटेज रिवर क्रूज इसका नाम है, जिसको वेस्ट बंगाल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ही चलाती है। यहाँ का ये मिलेनियम पार्क है, मिलेनियम पार्क से हम फेरी लेंगे और दूसरी तरफ जाएंगे जिसे हावड़ा कहा जाता है। लगभग आधे घंटे का सफर। फेरी की सवारी शुरू हो चुकी है। मेरे ठीक पीछे आप यहाँ का प्रचलित हावड़ा ब्रिज देख सकते हैं, जो कि अंग्रेजों के जमाने का ब्रिज है। और उसकी दूसरी तरफ मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी दिखाएं, वो न्यू ब्रिज है, वो हाल फिलहाल बनाया गया ब्रिज है। और दूसरी तरफ जो ब्रिज है वो ब्रिटिशर्स के जमाने का ब्रिज है। और उसके ठीक बगल में वो जो लाल बिल्डिंग आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, वो दरअसल कोलकाता रेलवे स्टेशन है। तो हम फेरी की राइड यहाँ मिलेनियम पार्क से शुरू करके उधर कोलकाता रेलवे स्टेशन तक जाएंगे। लगभग 30 मिनट की दूरी है, कुल मिलाकर ये दूरी लगभग एक घंटे की है। 39 रुपए का ये टिकट है, लेकिन बेहद खूबसूरत नजारा इस हुगली नदी का। कोलकाता की जो पहचान है, जिसके किनारे पर कोलकाता बसा हुआ है, और इसी हुगली नदी पर ये फेरी की सफारी बहुत ही ज्यादा आनंदमय और बहुत ही ज्यादा अद्भुत नजारों के साथ है। हुगली नदी के इस पार कोलकाता है तो दूसरी तरफ हावड़ा। हावड़ा नदी पर बना ये पुल कोलकाता की पहचान है। इस पर हावड़ा ब्रिज जैसी फिल्में बन चुकी। हावड़ा ब्रिज पर ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए विद्यासागर सेतु के रूप में नया ब्रिज भी बनाया, लेकिन हुगली नदी की फेरी सेवा की लोकप्रियता में अब भी कोई कमी नहीं, क्योंकि फेरी न सिर्फ जाम के झाम से बचाता है बल्कि किराया भी सस्ता है। आप दादा रोज सफर करते हो फेरी से? रोज सफर? हर रोज। किधर तक जाते हो? हावड़ा से बागनन जाते हैं। अच्छा, और बागनन से उस साइड उतर जाओगे? हाँ। और उसके बाद आगे? उसके बाद ट्रेन में जाएगा बागनन। इतनी भीड़ जितनी यहाँ दिख रही रोज होती है फेरी? कितनी देर में फेरी जाती है? इससे ज्यादा भीड़ होता है, आज घूमती है थोड़ा, इससे ज्यादा भीड़ होता। अच्छा है। आप भी रोज जाते हो फेरी से? रोज। किधर तक जा रहे हो? उधर हावड़ा से सिटी। अच्छा, और आज कम भीड़ है कह रहे दादा? अभी कम भीड़ है, इसका कम भीड़ है। शाम को टाइम ज्यादा होता है, सुबह और भीड़ होता है। सुबह और भीड़ होती है, पूरा भीड़ हो जाता। क्या 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 फर्क, इतने साल से आप फेरी में चल रहे हो, कुछ फर्क है यहाँ पे जो चीजें आसपास उधर उस तट पर बनी है इधर बनी है, कुछ सुधार हुआ है? हाँ, कुछ और चीजें बनी है यहाँ पर? आप तो इतने साल से कर रहे होगे, पहले कम सुविधा होगी, अब ज्यादा सुविधा है? ना, इसमें तो ज्यादा सुविधा है। 6 रुपया लेता है, भाड़ा भी कमती लेता है, बस से 8 रुपया 9 रुपया ले लेता है, कोई कोई 10 रुपया ले लेता है, इससे टाइम भी कमती लगता है। वो दरअसल कुछ लोग ऐसे और यहाँ पर हैं। आप रोज सवारी करते हो फेरी से? एवरी डे यू ट्रैवल? क्या चीज? रोज सवारी करते हो फेरी से? हाँ, उधर हावड़ा तक ही आपका डेस्टिनेशन है? हावड़ा नहीं, हावड़ा से लोकल ट्रेन पकड़ता हूँ। लोकल ट्रेन पकड़ोगे? और भी 40 किलोमीटर जाता हूँ। तो ये फेरी की जो सर्विस है, इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है पहले से, कुछ सुधार हुआ है? हाँ, इम्प्रूवमेंट तो है ही पहले से। वही 6 रुपए वाला टिकट लिया आपने, वो जो 39 रुपए वाला टिकट है वो किसके लिए है? और टूरिस्ट के लिए है। टूरिस्ट के लिए है, लोकल आदमी के 6 रुपए। कैसे पहचान करते हैं टूरिस्ट के 39 लेना है? उसका सीट अलग है ना, उसका लाउंज भी अलग है। अच्छा, उसका लाउंज अलग है, उसमें जब चढ़ेगा तो उसमें टिकट काउंटिंग होता है। अच्छा, ओ तो ये
क्या है, हम लोगों का मंथली कार्ड सिस्टम है। अच्छा, जैसे मेट्रो का है ना कार्ड, ऐसा कार्ड सिस्टम है। सिस्टम से भी चल सकते हैं, रोजाना 6 रुपए का टिकट भी ले सकते हैं। बहुत छोटे से समय में, कम समय में एक लंबी दूरी लोग तय कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक मेट्रोपॉलिटन सिटी की तरह ही बहुत लंबे लंबे डिस्टेंसेस हैं। टैक्सी रोजाना जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बस और मेट्रो में काफी भीड़ होती है, वो फेरी से आराम से पहुंच जाते हैं। कह रहे हैं कि 39 रुपीज वाला जो टिकट है उसके लिए अलग लाउंज है, अलग वेटिंग है, टिकट चेकिंग होती है, लेकिन जो रोजाना सफर करते हैं उनके लिए पास की सुविधा भी है। हुगली नदी पर फेरी सेवा की शुरुआत 1975 में हुई। हालांकि सुंदरबन लॉन्च सिंडिकेट की सेवा ज्यादा दिन नहीं चल पाई। 1980 में हुगली नदी जलपथ परिवहन समिति ने इसका जिम्मा संभाला। इसके बाद 1992 में पश्चिम बंगाल भूतल परिवहन कॉरपोरेशन ने भी अपनी फेरी सेवा शुरू की। रोजाना करीब 2 लाख फेरी सेवा के जरिए हुगली नदी के इस पार से उस पार या उस पार से इस पार आते हैं। कोलकाता और हावड़ा के बीच रोजाना करीब 50 बोट चलती हैं, जिससे हुगली नदी का पानी लगातार हिलोरे मारता रहता है। ठीक पश्चिम बंगाल की सियासत की तरह, जो इन ढोकला और रसगुल्ला की लड़ाई में उलझी हुई है। বাংলার রসগোল্লা ঢোকলার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। তুমি ঢোকলা খাও, আমি রসগোল্লা খাব, কিন্তু ক্লিনিক্যাল লাড্ডু এখানে দেখাবে না। উপর আয়ে হুয়ে হ্যায় ইয়া বাতাতা হ্যায় কে মমতা জি কে রাজ মে জো তুষ্টিকরণ তানাশাহি টোলাবাজি সিন্ডিকেট রাজ ভ্রষ্টাচার ইয়ে সব জো হুয়া হ্যায় আমফান মে ভ্রষ্টাচার চাওল কে বিতরণ মে ভ্রষ্টাচার कोयला में भ्रष्टाचार, ये जो सिंडिकेट राज ने किया है, इससे बंगाल की जनता निजात पाना चाहती। दोनों तरफ के दावे तो खूब हो रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के चुनाव में माझी तो यहाँ का वोटर है। वो किसकी नैया पार लगाएगा, किसकी नैया डुबोएगा या किसकी नैया बीच मझधार में छोड़ देता है, इसका पता तो 2 मई को ही चलेगा। कोलकाता की लाइफलाइन फेरी की सवारी तो आपने कर ली, अब हम यहाँ की दूसरी लाइफलाइन यानी ट्राम से आपको कोलकाता की सैर कराते हैं। कोलकाता अपने ट्राम नेटवर्क के लिए भी जाना जाता है। 1902 में इस नेटवर्क की शुरुआत हुई थी और काफी बड़े स्तर पर इसे शुरू किया गया था। एशिया में सबसे बड़ा ट्राम नेटवर्क अभी भी कोलकाता का माना जाता था और हिंदुस्तान में ये दूसरा एग्जिस्टिंग सबसे बड़ा ट्राम का नेटवर्क था, क्योंकि बाकी जगहों पर अब ट्राम नेटवर्क बंद हो चुका है। यहाँ पर भी कई किलोमीटर पर अब ट्राम नेटवर्क बंद कर दिया गया है, ट्राम को बंद किया गया है, क्योंकि कंजेशन होता है इन ट्राम से, जो नॉर्मल ट्रैफिक है वो प्रभावित होता है। क्योंकि हम कोलकाता में मौजूद है, इसलिए हमने सोचा कि ट्राम का सफर तो बनता है। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो आप ट्राम पर मैम रोज सफर करती हैं, रोज सफर करती हैं, एवरी डे यू ट्रैवल? एवरी डे तो आज कहाँ जा रही हैं आप ट्राम से? कॉलेज स्ट्रीट। चालू कहाँ पर है मैम, कहाँ कहाँ तक ट्राम नेटवर्क जाता है? कुछ कुछ रूट में जाता है, मेन एरिया, मेन एरिया में चल रहा है। आप कहाँ जा रहे हैं इससे? एस्प्लनाड, कॉलेज स्ट्रीट। कॉलेज स्ट्रीट जी, वहीं तक जा रही है ट्राम? एवरी डे यू ट्रैवल? नहीं, कभी कभी जाता हूँ। इसकी सबसे बड़ी हिंड्रेंस क्या आती है? व्हाई इज यू थिंक कि ट्राम नेटवर्क बंद किया जा रहा है, कम ही रूट पर अब ऑपरेशनल है? बंद हो गया तो बुरा लगेगा। नहीं, क्यों बंद कर दिया गया? ट्रैफिक कंजेशन प्रॉब्लम? प्रॉब्ली। तो अब बहुत लिमिटेड रूट पर है। जब लोग सड़कों पर रफ्तार पसंद करने लगे हैं, कोलकाता की सड़कों पर करीब 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्राम सेवा का वजूद अभी भी कायम है। कोलकाता दुनिया का इकलौता शहर है जहां पर ट्राम सेवा चलती है। हालांकि करीब 100 सालों से कोलकाता की पहचान बनी ट्राम का आधुनिकीकरण की मार की वजह से इतिहास के पन्नों में सिमटने का खतरा पैदा हो गया है। पिछले कुछ सालों से ट्राम की तादाद में भारी गिरावट आई है। कोलकाता में पहली बार ट्राम 24 फरवरी 1873 को सियालदह स्टेशन से आर्मेनियन स्ट्रीट तक चली थी। उस समय इसे घोड़े खींचते थे, बीच में 4 साल ये सेवा बंद रही। 1880 में ये सेवा दोबारा शुरू की गई।
27 मार्च 1902 में बिजली से ट्रॉम चलाने की शुरुआत की गई। ट्रॉम सड़कों पर बिछी पटरियों पर ही चलती है। ट्रॉम की लोकप्रियता बनाए रखने के लिए पिछले कुछ समय से कई कदम उठाए गए हैं। एयर कंडीशन ट्रॉम, ट्रॉम में मुफ्त वाईफाई इस दिशा में अहम कदम है। यही नहीं, ट्रॉम लाइब्रेरी, ट्रॉम रेस्टोरेंट और आर्ट गैलरी ऑन व्हील्स जैसी पहल भी की जा चुकी है। मैंने देखा कि ये जो ट्रैम पहले था ये रोजाना इस्तेमाल होता था। मेट्रो नेटवर्क के अलावा ट्रैम नेटवर्क भी कोलकाता के लिए ट्रांसपोर्टेशनल नेटवर्क का सबसे बड़ा साधन था। इसे वेस्ट बंगाल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑपरेट करती है। 1902 आप कल्पना कर सकते हैं, 1902 से लेकर अब तक 100 साल से भी ज्यादा बीत चुके हैं जब से ये ट्रैम चल रही है। और ऐसे में अब विकल्प तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसकी अपनी ऐतिहासिक महत्वता है कि ये एशिया का सबसे बड़ा ट्रैम नेटवर्क यही यानी कि कोलकाता से शुरू हुआ था और विश्वख्यात है कि अभी भी हिंदुस्तान में कोलकाता एक लौता शहर है जहां पर ट्रैम चल रही है। कैमरा पर्सन ललित के साथ नेहा बाथम, कोलकाता आज तक। लंच ब्रेक के स्पेशल एडिशन में मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।